दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि इंस्टेंट उनको लोन की आवश्यकता पड़ जाती है। अब उनके सामने बहुत सारे वजह होते हैं लोन को लेने का, जैसे कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं उसके लिए लोन लेते हैं, बच्चों की शादी वगैरह करते हैं उसके लिए लोन लेते हैं, घर बनवाना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, ऐसे तमाम उनके सामने प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे आप इंस्टेंट लोन आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे फोन पे बिजनेस ऐप के बारे में बात करेंगे जहां से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्रेड ऐप के बारे में बात करेंगे जहां से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के बारे में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कहां से आपको लोन लेना बेहतर होगा, जहां पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े, आपको आसानी से लोन मिल जाए, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह कम देना पड़े। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन करके कि क्या आपको सच में लोन लेना चाहिए या कोई और दूसरा ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए, वहां से पैसे आपको लेने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो को लेकर आते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब शुरू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहाँ पे फोन पे बिजनेस ऐप को ओपन करते हैं। जो लोग फोन पे बिजनेस ऐप का यूज कर रहे होंगे उनके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बिजनेस लोन का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि आपको हम 5 लाख तक का यहाँ पे लोन आसानी से देते हैं, केवल पैन कार्ड आपको वेरीफाई करना होता है और यहाँ पे कुछ गोल को कंप्लीट करना होता है। 6 मंथ के अंदर इनका कुछ गोल होता है, जैसे कि 1 मंथ के अंदर आपको 15 दिन पेमेंट को एक्सेप्ट करना है और उसी 15 दिन के अंदर दोस्तों आपको कम से कम 15,000 के आसपास पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको यहाँ पे लोन अप्रूवल मिल जाता है, आपको लोन आसानी से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या फ़ोनपे से लोन लेना बेहतर होगा, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्या प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, वो हमें बताइए। तो हम यहाँ पे सिंपली गूगल पे आ चुके हैं क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो हम यहाँ पे सिंपली गूगल पे आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने गूगल से पूछा कि फोन पे बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वही चीज को सर्च किया है, सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे गूगल बताती है कि जो फोन पे की जो लेंडर है, यानी जिनके द्वारा आपको फोन पे कंपनी आपको लोन ऑफर कर रही है, उसमें लेन देन क्लब है, आदित्य बिरला बैंक है, पेयू फाइनेंस बैंक प्राइवेट लिमिटेड है, मुथूट फिनकॉर्प कॉर्पोरेट लिमिटेड है, ये चारों कंपनी आपको लोन देती है फोन पे के माध्यम से। यानी फोन पे हम बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। लेकिन हमारा तो टॉपिक था दोस्तों कि कितना इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट, आप फोन पे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर 5,000 से लेकर 5 लाख तक के बीच का कोई भी अमाउंट में आप लोन लेते हैं तो 13% से लेकर 20% पर एनम आपसे चार्ज किया जाएगा। अब ये भी कहती है फोन पे कंपनी कि हम आपके बिजनेस का जो प्रोफाइल है उसको देखेंगे कि कितना आप ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का चार्ज लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे टेन्योर की बात करें तो रीपेमेंट का जो टेन्योर है मैक्सिमम यहाँ पे 60 मंथ तक का रहने वाला है, यानी 12 महीने से लेकर आप 60 महीने तक यहाँ पे अपना रीपेमेंट का टेन्योर आप चूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और चीज बता दें कि अगर आप फोन पे बिजनेस ऐप से पर्सनल लोन लेंगे तो वहां पे दोस्तों आपको 2.5 से 3% का प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको लिया जाएगा, प्लस GST भी आपसे लिया जाएगा। तो मोटा मोटी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप एक छोटे मोटे बिजनेस ओनर हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और आप अगर आप एक बड़े बिजनेस ओनर हैं तो हो सकता है आपके ट्रांजेक्शन को बढ़िया देखते हुए आपको वहाँ पे कम इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। एक और चीज़ दोस्तों, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे फोन पे आपसे पैसे को वसूल करती है, तो इस चीज़ को आपको नोटिस करके चलना है। अब सेकेंड नंबर पे दोस्तों हम यहाँ पे क्रेड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। क्रेड एप्लीकेशन आई थिंक दोस्तों आप सभी को पता होगा। चलिए हम क्रेड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं, लाइव आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो रहने वाला है। तो सिंपली जब आप क्रेड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नीचे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कैश का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली हम कैश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज है यहाँ पे देखने को मिलता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन विथ फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन, योर कैश बैलेंस इज 1,25,000 का यहाँ पे मेरे को मिला है, फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो चलिए हम टेक ए लुक पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे मेरे से पूछा जा रहा है कि कितने का आप लोन लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चूज़ योर EMI प्लान पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली EMI प्लान जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 121,025 रुपये का यहाँ पे मेरे को अप्रूवल मिल गया है। साथ ही आप उनका यहाँ पे टेन्योर देखेंगे, तीन तरीके से आपको यहाँ पे टेन्योर दिखाया गया है। उससे पहले ये कंपनी है 17% यानी 17.5% पर एनम आपसे इंटरेस्ट को चार्ज करती है, ये कंपनी पहले से आपको बता दे रही है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो मेरा अमाउंट यहाँ पे सेलेक्टेड है उसके अनुसार से अगर 36 मंथ के लिए मैं लेना चाहता हूँ तो 4431 रुपये मेरे को पर मंथ यहाँ पे देने होंगे, 24 मंथ के लिए लेना चाहता हूँ तो 6133 रुपये और 18 मंथ के लिए लेना चाहता हूँ तो 7847 रुपये मेरे को पर मंथ यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे चूज योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे दिखाया गया है, आपका अमाउंट दिखाया गया है और आपको टोटल मंथली कितना देना होगा। तो 36 मंथ के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इतने अमाउंट देने होंगे 4431 रुपये। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ 4431 रुपये जो मेरा EMI है 36 मंथ के लिए टोटल दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 1,59,516 रुपये और मेरे को मिल रहा है दोस्तों 1,21,000, चलिए मैं फिर से एक बार देख लूँ, 1,21,025 रुपये मेरे को मिल रहा है दोस्तों। तो टोटल मेरे को 38,491 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितना प्रोसेसिंग चार्ज ये कंपनी लेती है, क्योंकि आपको बता तो नहीं रहे कि प्रोसेसिंग चार्ज हम आपसे ले रहे हैं या GST आपको ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे 1,21,025 रुपये में अगर मैं मोटा मोटी लेकर चलूँ 4% अगर जोड़कर चलूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों करीब आ जा रहा है 4,800 कुछ रुपए के आसपास आ जा रहा है। तो दोस्तों मैंने मोटा मोटी यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि क्रेड एप्लीकेशन जो है वो 4% के आसपास आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करती है प्लस GST आपको यहाँ पे देना पड़ता है। वही दोस्तों अगर फोन पे बिजनेस आपकी बात करें तो वहाँ पे 2.5 से 3% आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट का रेट है वो 13% से 20% के बीच वैरी करता है, कोई फिक्स नहीं है। आपका जिस प्रकार का बिजनेस का ट्रांजेक्शन वगैरह रहेगा उसके हिसाब से दोस्तों वहां पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको फोन पे बिजनेस ऐप से लोन लेना चाहिए या आपको क्रेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप फोन पे बिजनेस ऐप के थ्रू जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके हिसाब से आपको वहां पे इंटरेस्ट का रेट लगाया जाएगा। बढ़िया ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको कम इंटरेस्ट देना होगा, प्रोसेसिंग चार्ज भी उस पर आपको 2.5 से 3% देने होंगे और आप धीरे धीरे करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने लोन के अमाउंट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं फोन पे ऐप से आप आराम से लोन को अप्लाई करिएगा। अब देखिए जो बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं या खुद का छोटा मोटा काम करते हैं तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे क्रेड ऐप से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 17.5% इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, साथ ही 4% के आसपास आपको प्रोसेसिंग चार्ज प्लस GST आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रेड ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह दोस्तों मेरे को लगती है कि आपको बहुत कम एफर्ट्स में आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है। सो आई होप अब आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको फोन पे के साथ जाना चाहिए या आपको क्रेड एप्लीकेशन के साथ जाना चाहिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको एकदम बहुत ज्यादा नीड है लोन की तभी आप लोन अप्लाई करिएगा, अन्यथा दोस्तों आप लोन अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि लोन लेने के बाद एवरी मंथ आपको EMI पे करने होंगे और अगर आप टाइम टू टाइम अपने EMI को पे नहीं करिएगा तो जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट स्कोर है, वो डैमेज होगा और बाद में फर्दर फ्यूचर में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा, बैंक का रिजेक्शन आपका सामना करना आपको पड़ेगा, कोई भी जगह से आपको लोन नहीं मिलेगा। सो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब शुरू करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।